ये अचानक कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? इतना ढेर सा पैसा, ये शानदार फ्लैट, ये सुबह से शाम तक बहती हुई शराब, ये ठाठ बाट, इसमें बहुत बड़ी कमी महसूस होने लगी है जूली। दिल बार बार कह रहा है कि वक्त आ गया है, जल्दी से किसी को अपना लो, वरना ये बाजी जीतते जीतते फिर से हार जाओगे। लेकिन तुम खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से तैयारी करो, देर हो रही है। मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ रहो। आपका ताराने पर हमने होटल का सबसे बढ़िया स्वीट आपके लिए रिजर्व कर रखा है। थैंक यू। बम्बई से सेठ गंगाराम जी अपने फैमिली के साथ आपके यहाँ आने वाले थे, अभी तक पहुँचे कि नहीं? जी वो तो यही है। सारी फैमिली आई है? बस बाप और बेटी दोनों। बस दोनों अकेले? जी नहीं, राम मेहता भी उनके साथ है, लेकिन वो अपनी उस सामने वाली कोठी में ठहरे हुए हैं। अभी एक घंटा पहले तीनों यहीं थे। इसका मतलब है बहुत बड़ी रौनक है इंदर यहाँ। जी हाँ, सीजन बिल्कुल फुल है, और उसकी वजह हमारी आखिरी बहुत बड़ी पोनी रेस भी है जो अगले हफ्ते होने वाली है। पोनी रेस? क्या ये वाकई इतनी दिलचस्प होती है? इसका अंदाजा तो आप अपनी आंखों से देख के ही लगा सकेंगे। मिस्टर राम, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, यहाँ के बहुत बड़े रईस हैं, अभी अभी विलायत से लौटे हैं, और इस रेस में दौड़ने वाले तकरीबन सभी घोड़े उन्हीं के, और उस रेस के गोल्ड कप को जीतने वाले के ऑनर में उसी शाम को एक जश्न भी मनाया जाएगा, और उस जश्न का उद्घाटन भी सेठ गंगाराम ही करेंगे। आपने अभी कहा कि रेस में दौड़ने वाले ज्यादा घोड़े राम साहब के हैं। जी हाँ, खासकर एक काली पौनी है उनकी, मेरी जान, जो आज तक किसी रेस में नहीं हारी। और कोठी कहाँ है राम साहब की? जी वो सामने वाली पहाड़ी।